बेटी की शादी करने के 5वें दिन ही अस्पताल में भर्ती हो गए। लड़की की जिद के आगे इन्हें झुकना पड़ा। और क्यों इनके एक भी भाई बहन इनकी शादी में नहीं आए? और क्या सोनाक्षी सिन्हा सच में प्रेग्नेंट है या केवल ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं? दरअसल दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बहुत ही बुरी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की बीते 23 जून को शादी की थी। बट शत्रुघ्न सिन्हा और उनके दोनों बेटे लव और कुश इस शादी से बिल्कुल राजी नहीं थे। बट शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी बेटी सोनाक्षी के आगे झुकना पड़ा। शादी के 5वें दिन ही शत्रुघ्न सिन्हा को कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है, जहां पर सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल एक कार से इन्हें देखने जाते हैं। दरअसल दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं। बेटी की शादी की जिद के लिए उन्हें झुकना पड़ा और उनके बेटे एक भी इस शादी में शामिल नहीं हुए, जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा की हालत बहुत ही नाजुक हो गई है और उन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है, जहाँ उनका रेगुलर चेकअप हो रहा है, जिन्हें देखने के लिए सोनाक्षी सिन्हा और उनके दामाद जाहिर इकबाल भी वहाँ पहुँचे। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट है और इसीलिए इन्होंने जाहिर इकबाल से शादी कर ली। और कई यूजर्स तो ये भी बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में इस तरह का ड्रामा बहुत पहले से ही चला आ रहा है। जिस तरह आलिया भट्ट प्रेग्नेंट थी, उसी तह सोनाक्षी सिन्हा भी प्रेग्नेंट होने के बाद ही शादी करते हैं और बॉलीवुड में इस तरह के ड्रामा पहले से ही नजर आ रहे हैं। वेल, दोस्तों आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है और इन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वैसे दोस्तों, आप शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा के प्रेग्नेंट की खबरों के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।